जय हिंद दोस्तों, ये करनाल डेयरी नरुखेड़ी गांव है, करनाल में हरियाणा में पड़ता है। रवि जी है इसका संचालन करते हैं, और अपने काम के बारे में आज हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि क्या इनकी विश्वसनीयता है लोगों के बीच में। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? बसवराज माड़ी, नानस गांव, उत्तर सोलापुर। सुना है कि 2500 गौ तूने बेची है? जी अंकल जी। हैं? जी अंकल जी। ओ, कितने की कंप्लेंट आई? 250 की? एक आदमी की भी नहीं आई जी। झूठ झूठ बोल के बताओ मेरे को क्या करना है। कंप्लेंट आती 2500 बेचे और कंप्लेंट आती तो किसके पास आती? आपके पास आती? आपके पास आई? मेरे पास तो तुम लोग आने नहीं देते हो ना। ऐसे थोड़ी होता है जी, हमारे पास भी नहीं आई जी। कंप्लेंट रोक लेते हो? गलत काम करेंगे तो अंकल जी कंप्लेंट आएंगे, गलत काम करेंगे नहीं तो कंप्लेंट कहाँ से आएगी? इस बात का प्रूफ दोगे? बिल्कुल देंगे, अभी महाराष्ट्र जाके देंगे आपको। कैसे? महाराष्ट्र जाके अभी जैसे प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ से निकलेंगे, उस दिन स्टेटस आपका चैनल पे स्टेटस डाल के चलेंगे, 20 तारीख को आप प्रोग्राम कि हम आ रहे हैं। हाँ हम आ रहे हैं, 10 दिन में हम आ रहे हैं महाराष्ट्र सोलापुर पंढरपुर में। जिसको शिकायत है वहाँ जो मंच लगेगा मंच पे आए, वहाँ पे हमारी जो हुआ है वो हमारे बारे में सबको पता लगना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ जी। औंधे मुंह गिर जाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। तो आपका कितना है? 20 गाय खरीदी ले लिया। 20 गाय? दो गाड़ी ले ली। आपने लिए? मैं खुद दो गाड़ी ले लिया। तो कितना पैसा लग गया इसको? मेरा कम से कम 13-14 लाख तक लग गया। 13-14 लाख लग गया। तो आपके पास कितना दूध होता वहाँ? अभी हमारा नानज गांव में, उत्तर सोलापुर नानज है, सोलापुर के पास 20 किलोमीटर अंतर से गांव है हमारा। मेरा लक्ष्मी दूध डेयरी बोल के नाम डेयरी का है। अच्छा। और सब फार्मर खेती वाले लोग है, मेरा 2500-3000 लीटर दूध हर दिन। और दशरथ माने बोल के सोनाई कंपनी, बढ़िया कंपनी है हमारे महाराष्ट्र में। और कुमार सेठ बोल के हमारे चेयरमैन, बहुत सेठ बढ़िया है, उनका डेयरी का 10000 लीटर का संकलन है। अच्छा। हाँ तो आप भी चेयरमैन है? मैं वो हमारा छोटा डेयरी का चेयरमैन हूं। वहाँ के? हाँ जी। हाँ जी। 2500 के कलेक्शन आपके पास? हाँ जी। हाँ जी। आपका अपना कितना होता है पर्सनल? अब कितना दूध हो जाएगा आपके पास मिलाकर? अभी मेरे ख्याल से मेरा पहला 20 जानवर है, गाय और भैंस। अगर चले जाएंगे 40 लीटर, 40 गाय हो जाएगी टोटल, तो कितना दूध हो जाएगा मेरा? कम से कम 500 लीटर तो आराम से हो जाएगा। 500 लीटर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो क्या फिर कंपनी की तरफ से क्या सहूलत रहती है? कंपनी वगैरह देती है? नहीं, कंपनी कैसा रहता है, हमको हर लीटर को पेमेंट, मुझे पैसे पकड़ रहे लगते सर टोटल। कमीशन रहता है दूध लेने का, देने का कमीशन रहता है। इस गाय पे कितने पैसे लगाए? मैं टोटल 10 गाय को 6.5 लाख रुपए दे दिया। 6.5? हाँ, एक कट्टा में ले लिया सर। ठीक। इन्होंने यही अपने फार्म से लोट बना के गायें ले ली हैं जी। अच्छा। 10 गायों को एक लोट बना लिया, 10 गायों को एक लोट बना लिया है। ये जो दिखा रहे, ये एक लोट में गई है 65,000 रुपये के हिसाब में। इनमें गाय 75,000 वाली भी है, 70,000 वाली भी है, 65 वाली भी और 60 वाली भी है। तो दूध क्या होगा? दूध अंकल जी अभी मिल्किंग में है, अभी 5-6 दिन का बच्चा है, अभी 24 लीटर अभी चीख तैयार है इसके नीचे जी। पहली बार आए? सेकंड लैक्टेशन है जी, मुँह से 6 दांत है जी। पहली बार आए? ये पहली बार आए हैं जी। तो क्या ये पहले अपनी महाराष्ट्र में गायें गुएँ देख के, जहाँ पे हमने बेची है उनकी गायें देख के जी, इनका दूध का प्लांट है, खुद इनका भी सोनाई का प्लांट है दूध का जी, बता दिया। हाँ जी। तो ये भी अपनी पूरी वेरिफिकेशन करके, अपने जहाँ पे गाय गई है वहाँ पे गायें देख के, तो सब पता करके तब अपने पास आए हैं। 65 के लोट में कम कर दो? ये पहले ही जी, लोट तो कम से कम 70,000 रुपये का बनना चाहिए था जी। तो ये फर्स्ट टाइम आया जी, तो इसलिए 65,000 रुपये के लोट में। मैंने आपको पहले जो अपनी वीडियो शूट हुई थी उसमें से भी एक दो गायें जो अभी वीडियो डली थी, उनमें से भी जो गायें 80-80,000 रुपये वाली, 75,000 वाली थी, वो भी इसमें लोट में ही आई है जी वो गाय जी। और कम कर दो, बहुत रीजनेबल रेट कर दिया अंकल जी। दूसरा लोट भी है जो इसमें बछड़िया भी है और गाय भी है, वो 60,000 रुपये के लोट से है जी। दूसरा लोट 60,000 रुपये के हिसाब से किया अंकल जी। उसमें मत करना, इसमें कम कर। कोई बात नहीं, कर देंगे। तो वहाँ जाके चाय वाय पिलाएंगे, जो आप बोलोगे कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कब तक ब्यागी है? ब्यागी है तो जी। ये बता क्या दिया इसने? इसका जी फीमेल काफ है जी। फीमेल है? हाँ जी। और अभी 24 लीटर के आसपास चीख तैयार है जी, 5 दिन की ब्याई के नीचे। अच्छा। हाँ जी। तो कितने दूध पे जाएगी ये? तो अंकल जी 27-28 लीटर दूध देगी बछिया जी। सुना कि ये लोग और बढ़ा लेते हैं एक दो? वो तो देखो गाय की कैपेसिटी होती है अंकल जी, वो तो देखो इनके ध्यान देने पे। हाँ, वो तो देखो आदमी तो मैनेजमेंट करेगा ही करेगा, मैनेजमेंट भी वही फीडिंग है, साइलेज हो गया, टाइम न्यूट्रिशन टाइम पे हो गए, जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया, तो गाय नॉर्मली अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उससे भी बढ़ के ज़्यादा दूध देगी।
अगर टाइम टू टाइम सब कुछ डलता रहे तो। बहुत से आदमी क्या है, चारे चारे पे डाल देते हैं, साइलेज नहीं प्रॉपर दे पाते, फीड नहीं प्रॉपर दे पाते, साथ में फीड दे रहे हैं तो उसको मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाते, मिनरल मिक्सचर दे रहे तो कैल्शियम नहीं दे पाते। हर एक चीज़ का महत्व होता है जी। दूसरे नंबर पर आ गई। हाँ जी, ये भी 65 में, ये 60,000 में ले लिया गाड़ी, दूसरे गाड़ी है, दूसरे अच्छा। गाड़ी में का गाई आई है। अच्छा, पहला लॉट में हुआ, दूसरे पहले लॉट वाली गाड़ी में। हाँ ये हाँ जी, अभी इसके नीचे 27-28 लीटर अभी दूध तैयार अंकल जी, ब्यायू है नीचे, फीमेल काफ है नीचे, उसके भी फीमेल था, उसका भी फीमेल है, तो इनको फायदा होगा, बछिया पालेंगे। ये गाय अंकल जी, गाय की कीमत इसकी 80,000 रुपये के आसपास गाय की कीमत है, ये भी लॉट में गई है, दूध निकालेगी 30 लीटर प्लस, अभी 7-8 दिन की ब्यायू, अभी 27-28 लीटर अभी इसके नीचे दूध है जी, 30 से ऊपर जाएगी। हाँ 30 से ऊपर जाएगी जी, ये भी इसी लोट में है जी। अच्छा, इसी लोट में। हाँ जी, ये गाय मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई भी थी अपने, उस टाइम फोर सेल के लिए अवेलेबल थी। 30 लीटर वाली 80 में, तो किस्मत तो बुलंद है। तो ये लोट में आ गई ना अंकल जी, इन्होंने पूरी गाय इकट्ठी करके, उसमें क्या होता अंकल जी देखो, जैसे हमारी भी खरीद है, कोई हमारी गाय की 75,000 की खरीद है, किसी गाय की हमारी 60,000 की खरीद है, किसी गाय की हमारी 70,000 की खरीद है, किसी गाय की 58,000 की खरीद है, उसमें क्या होता है, आदमी ये सोचता भाई सारी गाय इकट्ठी भी करी हैं, चलो दो पैसे कम बचेंगे, लेकिन इकट्ठे बच रहे हैं, तो इसलिए हम भी उसमें रिजनेबल प्राइस में तो लोड बना के दे देते हैं। वैसे हमने हिसाब लगाया कि 30 लीटर वाले का 90,000 रुपये मांगते हैं। हाँ जी, इसके नीचे अभी मौके पे 27 लीटर, मौके पे 13.5-13.5 लीटर दोनों टाइम का 27 लीटर अभी मौके पे तैयार है जी, 7-8 दिन की ब्याई हो चुकी है, ब्रीड में है जी। इसको भी ब्रीड में मानते हैं आप? ब्रीड है इसके वास्ते, तो महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे गुजरात और ये ब्रीड नहीं, ब्रीड नहीं मिलता, मिलता है मगर इतना क्वालिटी का नहीं मिलता है। ये क्वालिटी नहीं है, ये नहीं क्वालिटी नहीं है। तो ये कितना दूध देगी आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से कम 25 लीटर के आगे 30 लीटर तक मिल जाएगी। अच्छा, खुर बहुत छोटे हैं, कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड टाइम अंकल जी मिल्किंग में है, ये अभी 5-6 दिन का बच्चा है, 22 लीटर अभी मौके पे तैयार। अच्छा, है तो इनको सब ब्याई हुई दे रहे हो? नहीं, ये इस लोट में 3 गायें हैं जी जो ब्याई हुई थी। तो इसके पीछे क्या? इसके नीचे भी फीमेल काफ अंकल जी, तीनों के नीचे फीमेल है जी, ये थोड़ी सी क्रॉस में है। हाँ, लेकिन गाय बहुत अच्छी है, दूध जाएगा अंकल जी एक टाइम का 13-14 लीटर दूध देगी एक टाइम का, 27-28 लीटर दूध, वही 60 में 65, वो 65,000 पे, ये जो दिखाई दिखा रहे हैं सभी 65,000 के लोट वाली दिखाएंगे जिसमें। अच्छा। हाँ जी, तो एक बीच में तुमने 60 की दिखा दी? नहीं 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 नहीं, इसमें सभी 65 वाली हैं जी। अच्छा, वो हाँ जो इस लोट में आएंगी सभी 65 वाली, 65 लीटर, 65,000 में, 65,000 भाव है। हाँ जी, और दूध जो है, दूध अंकल जी का 25-30 लीटर के बीच में जी अंकल जी। एक आधी गाय होगी जो 20-22 लीटर वाली है, एक गाय होगी, बाकी सब 25-30 लीटर वाली है जी। आगे आगे। हाँ जी। अच्छा, कितना दूध देगी आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से कम 22 लीटर से 26 लीटर तक दूध दे जाएगी। तो कब तक ब्याई है? नहीं अभी ब्याई नहीं, अभी बहने का और 20 दिन टाइम है इसका। हाँ, 20-25 दिन तो टाइम है। 22-26 ज़्यादा ही देगी जिससे जी, ज़्यादा 25-30 के बीच में दूध रहेगा गाय का जी, बहुत ब्रीड में गाय है जी, बहुत अच्छी गाय। अकेले कितने में जाती है? अकेले गाय जाती है अंकल जी 75,000 रुपए की, 70,000 से 75,000 जी। अभी टाइम है इसको 25 दिन बच्चा देने का जी। हाँ जी, 25 दिन अभी बाकी है, 20 से 25 दिन बाकी है जी गाय को। तो आपके यहाँ दूध की जो कलेक्शन है वो सुबह शाम होती है? हाँ, हर दिन सुबह और शाम, सुबह 6:30 बजे चालू होता है, 9 बजे ख़त्म होता है सुबह का, और शाम का 6:30 बजे चालू होता है, 8:30 बजे ख़त्म होता है, सिर्फ सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। कंपनी खुद ले जाती होगा? नहीं, हम हमारे खुद की गाड़ी है, ट्रोलिंग गाड़ी है, उसका देते हैं वो उसका चार्ज रहता है। कितना देते हैं? 1 किलोमीटर को 11 रुपये रहता है हमको। महीने में कितने बन जाते हैं? वो किलोमीटर से हिसाब से रहता है। किलोमीटर? हाँ जी। कितने किलोमीटर चल जाती है? मैं कम से कम अभी हम गांव में रहने के बाद क्या 2-1.5 किलोमीटर इतना ही है। अच्छा। पहला लंबा जाता था 20-25 किलोमीटर का, 11 रुपये किलोमीटर से हम जाते थे पहले। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कि पेमेंट फिर कितने दिनों बाद होती है? वो पेमेंट 7/17/27 को सोनाई कंपनी का पेमेंट होता है, गारंटी 7/17/27 को, 7/17/27 और रविवार छुट्टी हो गया तो एक दिन आगे पीछे हो जाते हैं, मगर पेमेंट तो हर दिन तो क्लियर छुट्टी हो जाए तो हो जाए, छुट्टी कंपनी और इसका शासकीय गवर्नमेंट कराएगा तो छुट्टी हो जाती है। चलो, ये तो बुढ़ी है? नहीं बुढ़ी नहीं है। हाँ, 6 दांत की है। हाँ जी, खोर इतने बड़े बड़े हो गए, 6 दांत है, 3rd टाइम बच्चा देगी अंकल जी, 6 दांत, 3rd टाइम बच्चा दे रही है, 3rd टाइम दे रही है, 6 दांत। ये खुर तो अंकल जी क्या होता है, जो मैट पे गाय खड़ी रहती है ना, मैट की वजह से खुर बढ़ जाते हैं जी उसके। अच्छा, ये 6 दांत है उसे? हाँ जी, अगर पक्का होता है ना, जैसे दांत दिखा दोगे? हाँ बिल्कुल दिखा देंगे जी।
आठ को भी छः बताते हो? नहीं, छः को ही छः बताते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। ऑटो टूटा हुआ है? नहीं जी, गाय है जी, कम से कम ज़्यादा नहीं कहता, 30 लीटर प्लस वाली जी। 30 से 32 लीटर दूध देगी गाय जी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि जो इसकी मिल्क वेन है ना जी, बहुत बॉडी मोटी मिल्क वेन है और वाकई में कैपेसिटी बहुत अच्छी है गाय की दूध देने की। आपका मन क्या कहता है? मेरा मन इतना कहता है कि 25 लीटर से 30 लीटर तक तो देगी, 27-28 तो कहीं नहीं जाएगी। वो बोलने भी कुछ बोल दो, 27 से 28 लीटर तक कहाँ नहीं जाएगी। हाँ, तो कितने में मिली है ये? वही लॉट में है अंकल जी सभी। तो बेची तो लॉट में, मिली कितने में? हाँ जी, मिली कितने में अंकल जी? हम भी जैसे एक फार्म से 5-6 गाय इकट्ठी खरीद के लाए, अलग से अकेले नहीं खरीदी जी। जैसे एक फार्म से 4-5 गाय इकट्ठी उठाई थी, वो भी एवरेज में उठाई थी। अकेली क्या दाम होना चाहिए इसका? अकेली का दाम यही होना चाहिए जी, अकेली का दाम भी इतना ही रहेगा इसका, 65,000 रुपये के आसपास जी। हाँ जी, तीसरी ब्याज में। हाँ जी, डॉक्टर वगैरह वहाँ अवेलेबल रहता है? हमारे गाँव में 2 डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है और खाजगी डॉक्टर है। अब ये 1400 किलोमीटर चल के जाएगी? हाँ जी। तो कई दिन तो ये दूध पे सही नहीं आएगी? कैसा, जाते समय यहाँ पे गोलिया दवा ले लिए सोए हम, और साथ में बिहारी का आदमी काम करके रख गया। ये बयानी वाली है? हाँ, बयानी वाली है। कितना समय मांग रही है? मेरे ख्याल से कम और 20-25 दिन तो लग जाएगी। तो रवि कितने की मिलेगी अकेली अगर मंडी में जाए तो? इसका भी अंकल जी, जैसे बछड़ी बहुत अच्छी है, मुँह से ये 6 दांत है जी ये भी, और 6 दांत भी अभी हुई है ये जी, मतलब दांत आ गए हैं, लेकिन पहचानी होते पहले 4 थी, अभी 6 हुई है, दूसरी बार बच्चा दे रही है अंकल जी। और दूध इसने फर्स्ट लैक्टेशन में अंकल जी 23-24 लीटर दूध दिया है, 25-26-27-28 तक कहीं भी दूध देगी आराम से। कितने दे देगी? हाँ जी, कितने स्टॉपेज चाहिए? 3 स्टॉपेज चाहिए जी वहाँ तक जाने के लिए। 1400 किलोमीटर तो नहीं अंकल जी, इनका पड़ता है 1600-1700 किलोमीटर। 400-500 पे एक स्टॉपेज चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 4-5 तो अंकल जी, जैसे स्टॉप एक 400 किलोमीटर पे हो जाता है, अगला स्टॉपेज फिर 400 पे हो जाता है, अगला फिर 500 पे हो जाता है, तो 3 स्टॉप तो लगते हैं। 400 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा ये जी? अगर गाड़ी वाला अपने हिसाब से चले तो, जैसे एनिमल की गाड़ी होती है तो जी 10 से 11 घंटे लगेंगे जी। 10 से 11 घंटे? हाँ जी। उसमें तो इसका ढांचा हिल जाता है? नहीं, गाड़ी अगर आराम से जाती है जी, देखो रोड अच्छे हैं, कोई हिलने वाले, लेकिन थोड़ा बहुत ये है, खड़े खड़े थकावट शुरू आ जाती है एनिमल को। अगर ज़्यादा मोटी तय बना दो रेते की या नहीं? तय तो मोटी बनाते हैं हम, रेता डालते हैं, प्राल नहीं डालते उसमें जी। अच्छा। कम से कम 5-6 इंच रेत डालते हैं उसमें, 6 इंच जी। गाय खड़ी आराम से रहती है, पैर में कभी वो, लेकिन खड़े खड़े जो थोड़ा नसों में तनाव हो जाता है वो होता है, बैठने की जगह होती है? नहीं, उसमें बैठ नहीं सकता एनिमल जी, अगर बैठ जाएगा तो दूसरा एनिमल क्या पता ठंड पे पैर रख दे, अडर पे पैर रख दे, तो उससे प्रॉब्लम घंटे खड़ी रहेगी, मतलब 10-11 घंटे खड़ी रहेगी, बहुत मुश्किल है। बस उसके बाद फिर दिन में क्या होता है, जैसे गाड़ी रात रात में रन करती है जी, दिन में पूरा दिन रिलैक्स करती है गाय, फिर स्टॉपेज बने अच्छे अच्छे, तो वहाँ पे पूरी गाड़ी को अनलोड करके गायों को नीचे उतार के खाना पीना सब करके उनको आराम कराते हैं पूरा दिन, शाम को फिर 12 घंटे के बाद गाड़ी लोड करते हैं। लंबा दौर मुश्किल है ना? हाँ, थोड़ा देखो मुश्किल तो जरूर है जी, लेकिन ये है, ट्रेन हो जाए ठीक है। ट्रेन पहले रैक लगते थे अंकल जी, लेकिन अब ट्रेन से रैक रेलवे ने बंद कर दिए वो रैक लगाने, पहले जाते थे एनिमल ट्रेन से, लेकिन उनकी भी सर ओ अंकल जी टर्म एंड कंडीशन है, एक डब्बा अगर बुक कराओगे तो उसमें कम से कम 40 एनिमल जाते हैं जी एक में जी। तो अभी कस्टमर आते हैं, किसी को 8 लेनी है, किसी को 10 लेनी है, किसी को 18 लेनी है, अभी 10 गाय के लिए क्या वो डब्बा पूरा बुक कराएगा, ये समस्या है जी। ये छोटे कदमे आ गए? हाँ जी। तो क्या कहोगे इसके बारे में? गाय ब्रीड की है। ब्रीड की? हाँ जी। दूध देगी? कब तक भी आना इसमें? ये मेरे कम अभी जब तक गाय ले लिया है, एक 20-25 दिन का गाय मैं छोड़ के बच्चे देने वाला गाय ले लें, सो कहूँ मेरे को आना जाना लंबा रास्ता है, 1600 किलोमीटर तो मेरे को जाना है, यहाँ बच्चे देने के बाद उसका बच्चे का उसका पेट का जो स्टेटमेंट रहता है उसका वो पूरा ढल जाएगी, इसके वास्ते बिगर बच्चे की बोले तो जो पेट में एक बच्चा है वैसा गाय मैं ज़्यादा खरीद ले लिया। अब जो बच्चे वाली जा रही है? हाँ जी। तो इसकी मिल्किंग फिर 11 घंटे बाद करोगे? हाँ जी। पहले मिल्किंग जाती तो देगी नहीं? मिल्किंग कैसे होगी उनकी? जैसे शाम को यहाँ से गाड़ी लोड होगी, यहाँ से मिल्किंग लोड होगी गाड़ी जी, मिल्किंग करके लोड कर दो। हाँ जी, सवेरे गाड़ी वहाँ पे 5 बजे स्टॉप पे पहुँचेगी, तो वहाँ पे उनको रेस्ट थोड़ा करके आधा 1 घंटे का रेस्ट देके तब मिल्किंग करेंगे। दे देती है? क्यों नहीं देगी?
नहीं कम थोड़ा बहुत तो देख फर्क पड़ेगा अंकल जी, खड़े खड़े रहना, स्ट्रेस में रहना, खाना पीना भी अच्छा पेट भर के नहीं खाएगी, उससे फर्क तो देखो पड़ेगा, लेकिन टाइम टू टाइम 12 घंटे के बाद मिल्किंग जरूर होएगी। ब्रीड में हाँ ठीक है जी, थोड़ी बहुत क्रॉस में है, फुली ब्रीड नहीं है, थोड़ी क्रॉस में है, दूध निकाल देगी 20 लीटर अंकल जी। पीछे से कुछ पहचाना थी क्रॉस की? हाँ थोड़ा सा बैक है ना, जो थोड़ी ऐसे ढलान में शेप में होती है जी क्रॉस की, जैसे जो ब्रीड वाली है उसका पूंछ क्या होता है, खड़ा पूंछ होता है पीछे से। अच्छा। पीठ जो होती है जी। हाँ। जी तो अभी एक महीना टाइम है इसको बच्चा देने का जी। कौन सी ब्यांत की है? दूसरी बार जी। दूध 20 लीटर निकाल देगी जी। चेयरमैन साहब तो ये 20 लीटर वाली है? हाँ जी। कैसे मन को लगी आपके ये गाय? अच्छा है, दूध घट्टा निकलता है, फैट अच्छा है इसका, ऐसे में अच्छा निकलेगी, मगर दूध इसका मेरे ख्याल से तो 1820 तक निकल जाएगी। निकल जाए। हाँ जी। तो क्या दाम चलता है दूध अभी? मेरे तरफ से तो हमारा शोलापुर से नानज गांव के सोनाई प्लांट के 35 रुपये रेट चला, 3585 35 रुपये रेट चला। बढ़ भी जाता है? हाँ 38 रुपये 39 रुपये तक भी जाता है। कम कितना हो जाता है? कम कुछ नहीं बता सकते, कब वो उसका कैसा रहता है आगे कितना डिपेंड। लॉकडाउन में कितना हो गया था? लॉकडाउन पे 18 से 22 रुपये तक तो आ गए थे। पानी से भी सस्ता हो गया? हाँ हो गए थे। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।